हेलो एवरीवन, फ्रॉम दिस क्लास ऑनवर्ड्स आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ इंट्रोडक्टरी कोर्स ऑन एडवांस डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ADBA। सो वी विल कवर सम ऑफ द थ्योरी टॉपिक्स ऑफ द सब्जेक्ट्स एज पर द सिलेबस इन मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज अक्रॉस इंडिया। इन दिस कोर्स वी आर गोइंग टू सी SQL also and PL SQL also, but first we will see the introduction of advanced database administration. So database administration is something that is related with the managing or configuration of the database in the system. So the first topic is creating, deleting or configuring database with DBCA. So DBCA is Database Configuration Assistant. It is used to manage database in a system or Oracle if you are using Oracle. DBCA को यूज़ करके हम डाटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और ऑल्टर भी कर सकते हैं। So using DBCA you can create database, you can delete database and you can modify or configure your database. DBCA is a automated approach which is used for database configuration. So it is an automated approach. Now there are two different modes of using DBCA. One mode is interactive mode. As the name suggests, it is a GUI based mode of using DBCA. It comes with guided workflow for creating and configuration of database. Now गाइडेड वर्कफ्लो का मतलब है कि इसमें सारे स्टेप्स पहले से ही प्री डिफाइंड हैं इन द फॉर्म ऑफ विंडोज़। यू जस्ट हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड क्रिएट एंड क्लिक नेक्स्ट बटन टू कंप्लीट द प्रोसेस। एंड द सेकेंड अप्रोच इज नॉन इंटरेक्टिव। सेकेंड अप्रोच ऑफ यूजिंग DBCA इज नॉन इंटरेक्टिव। इट इज अ कमांड लाइन अप्रोच। ऑन द कमांड लाइन सिस्टम एडमिन और डाटाबेस एडमिन राइट स्क्रिप्ट टू परफॉर्म DB क्रिएशन और डाटाबेस क्रिएशन। सो दिस इज वेरी ब्रीफ थ्योरी अबाउट DBCA विच इज डाटाबेस कन्फिगेशन असिस्टेंट। इन दिस यू नीड टू नो दैट DBCA कैन बी यूज फॉर क्रिएटिंग, डिलीशन, मॉडिफाइंग एंड कन्फिगरिंग डाटाबेस। एंड देर आर टू डिफरेंट मोड्स, इंटरेक्टिव एंड नॉन इंटरेक्टिव। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।